हमारा सफर है जी लंदन से स्कॉटलैंड, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये लॉन्ग ड्राइव होगी। तकरीबन 12 घंटे लगेंगे पहुंचते हुए, और 1000 किलोमीटर सिर्फ आज के दिन में। और सुबह बस उठे, जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह किया और गाड़ी में बैठ गए। तो अभी सुबह रोशनी निकल रही है, तकरीबन 45 मिनट तक चला चुके हैं हम, ड्राइविंग कर चुके हैं, मोटरवे पे आ गए। अभी अब रोशनी निकल रही है, सूरज निकल रहा है, अभी माहौल बन रहा है, साथ में खुद भी इंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आगे के क्या सीन है और कैसी जा रही है लॉन्ग ड्राइव और कब पहुँचते हैं स्कॉटलैंड। अभी टाइम हुआ है 5:40 सुबह की, तो देखते हैं कि अब स्कॉटलैंड कब पहुँचते हैं। हम घर से 5:15 को निकले थे, आगे देखें सफ़र हमें कहाँ तक लेके जाता है। चीयर्स। हाँ जी, अभी 10 बज चुके हैं और तकरीबन हमने आधा सफ़र कर लिया। अब तकरीबन 3-4 घंटे का सफ़र और रह गया, लेकिन 5.5 घंटे लगातार ड्राइव करके बीच में सिर्फ 2-3 ब्रेक हैं, सिर्फ 5-5 मिनट की टॉयलेट वगैरह के लिए लगाई, और अब आंखें बंद होने लग पड़ी थी, तो अपनी सर्विसेज पे रुके, कोई रिफ्रेशमेंट की, कोई कैफीन वगैरह इनटेक की कि आंखें खुलें। जो बाकी आधा सफ़र रह गया वो भी जल्दी जल्दी तय करें। अभी तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। अब बारिश हो रही है, इधर मस्त माहौल, मौसम भी अच्छा हो गया, बस अब थोड़ी सी एनर्जी आ ले, आंखें खुल रहे, तो अगले सफ़र का आगाज़ करेंगे। अभी तक सब कुछ ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ जी, एक लंबी सी ड्राइव के बाद अभी हम पहुँचे बड़ी देर बाद ग्लासगो में। तो आज हमारा पहला स्टॉप ग्लासगो में, इधर आज रेस्ट करेंगे, इसके बाद आगे से हम कल से स्कॉटलैंड जितनी भी नेचुरल जगह है, नेचुरल जगह वगैरह, टू लॉन्ग जगह नेचुरल जगह वगैरह वो हम देखेंगे, झीलें, पहाड़, नदियाँ, आबशार, सब कुछ। लेकिन आज हम अभी जल्दी पहुँचे हैं, मेरा इरादा था कि, मैंने सोचा था कि 5 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन आज हम तकरीबन 2-3 बजे पहुँच आए हैं, तो हमें अब तकरीबन 5-6 घंटे मिल गए हैं ग्लासगो डिस्कवर करने के। तो अभी ग्लासगो डिस्कवर नहीं, एक्सप्लोर करेंगे, तो अभी ग्लासगो घूमेंगे फिरेंगे, फिर होटल में चेक इन करेंगे, रात गुजारेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर कल हम वाइल्ड में जाएंगे। हाँ जी जानी, ये होटल ग्लासगो पहुँच आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है, ये छोटा सा कमरा, बड़े इधर सिस्टम लगे हुए हैं, ये हर तरफ, ये दो बेड, ये बाइक, साथ ही वो सामने हाई स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट बिल्कुल हाई स्ट्रीट के अंदर है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं है, होटल है हमारा, जिधर आज हमने पहली नाइट स्टे करनी है। एसी वगैरह का भी सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, इधर मौसम अच्छा है। लेकिन अब बात ये है कि इधर येलो वार्निंग है हैवी रेन की, और जिधर से हम आए हैं उधर रेड वार्निंग है हीट वेव की, उधर से हीट से भाग के आए हैं, और इधर अब 5 दिन हमने रुकने, मतलब 5 दिन स्कॉटलैंड सारा एक्सप्लोर करने, और 5 दिन हैवी रेन में। अब पता नहीं, गाड़ी के अंदर से ही देखेंगे या बाहर निकलना भी नसीब होगा, लेकिन हर जगह बुकिंग हुई हुई है, 5 जगह अलग अलग बुकिंग हुई हुई है, तो वो भी अब कैंसिल नहीं करवा सकते। तो अब देखते हैं कि कल से हमारा सफ़र गाड़ी में ही रहते हैं या गाड़ी के बाहर जाते हैं। अभी 2 मिनट रेस्ट करेंगे, 2 से या 5 मिनट काट लेंगे, उसके बाद हमने इधर से कोई हाई स्ट्रीट वगैरह घूमेंगे, इधर से कुछ खाएँगे पियेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। हाँ जी, अभी हम आए हैं एक तुर्कीश रेस्टोरेंट पे, और उधर से हमने अभी लंच करना है, और रोला बड़ा, इधर इन्होंने गाने लगाए हुए हैं अपनी ज़बान में, वो समझ ही नहीं लगते, लेकिन इधर से हम अब लंच करेंगे, और लंच देखते हैं अब कैसा आता है, फाइनली हलाल मिल गया, क्योंकि ये ग्लासगो ज़्यादातर हलाल ही है, क्योंकि एशियन कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है इधर। अब देखते हैं कि कैसे है, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे ग्लासगो को कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सप्लोर करना है।
हाँ जी, अभी हम गीले गीले मौसम में ग्लास्को की गलियों में सैर कर रहे हैं। ये साथ साथ व्यू हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ना दरिया के साथ साथ वॉक पॉइंट बनाया हुआ है। अब चाय की तलब हो रही थी तो इधर से पता चला है कि 1.5 माइल दूर एक चाय वाला है जहाँ से कड़क चाय मिलेगी सही पाकिस्तानी स्टाइल में। तो मौसम भी सही चाय वाला बना हुआ है। तो ये इधर से आए हैं लंदन वाली साइड पे तो हीट वेव चल रही थी, लेकिन इधर सर्दी से काम पे टांग रही हैं तो ये फुल बारिश और दरिया के मज़े ले रहे हैं। अब हम जा रहे हैं चाय शाय पीने। फुल एशियन रेस्टोरेंट है, कड़क चाय मिलती है। तकरीबन 1.5 माइल चल गए इधर से हम चाय वाला चाय पीने आए हैं कड़क चाय। और इधर एक सीन देखा है, एक घोड़ा इधर से कोक ले कर पी रहा है। जी लंच के बाद हमने ग्लास्को एक्सप्लोर किया था, वो बिल्डिंग वगैरह देखी थी। उसके बाद हम रूम में आए, एक घंटा रेस्ट किया। उसके बाद हम डिनर के लिए गए, लेकिन डिनर के लिए इतनी भूख नहीं लगी थी क्योंकि लंच काफ़ी हैवी हो गया था। तो फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे स्नैक वगैरह खाए। उसके बाद मीठा वगैरह गुलाब जामुन वगैरह खाए। तो अब हम वापस रूम में आए हैं। तो आज का सफ़र इधर ख़त्म होता है। अब सुबह 6 बजे निकलेंगे। सुबह का सफ़र भी इतना ही है जितना आज किया था, लेकिन कल का सारा सीनिक रूट होगा, मज़े होंगे और ज़बरदस्त जो मेन जगह है वो सब पहले दिन ही है। और तकरीबन 7 घंटे का सफ़र है। तो आज के लिए का बस इतना ही, क्योंकि आज समझ लें कि इस टूर का इंट्रोडक्शन था। कल से सही सीनिक व्लॉग शुरू होगा और सीनिक रूट शुरू होंगे और आपको स्कॉटलैंड के शशके दिखाएंगे। Thank you.